वेलकम टू यू माय प्रोग्राम मोटिवेशनल स्टोरी। एक छोटी सी कहानी मैं पेश कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आप इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। गौतम बुद्ध गांव-गांव उपदेश देने जाया करते थे। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ उपदेश देने किसी गांव में जा रहे थे। गर्मी का मौसम था, जल आदि की बहुत ही कमी थी, नहीं मिल रहा था, काफी परेशानी थी पानी के बिना। तो जिस रोड पर, जिस सड़क पर चल रहे थे, कई गड्ढे वहां दिखाई पड़े। उन गड्ढों में कई अनुयायी गिरे भी। एक अनुयायी ने गौतम बुद्ध जी से पूछा, जिज्ञासावश पूछा कि हमें ये बताइए ये गड्ढे क्यों हैं। गौतम बुद्ध ने गंभीरता से लेते हुए, और ये भी देखा कि ये लोग पानी के बिना परेशान भी हैं और यहाँ पानी की कमी भी है और गर्मी का मौसम है, तो उन्होंने कहा कि किसी ने पानी की तलाश में ये गड्ढे खोदे हैं। पहला गड्ढा खोदा, जब पानी नहीं प्राप्त हुआ तो दूसरा गड्ढा खोदा, वहां जब पानी नहीं प्राप्त हुआ तो तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और छठा, फिर इस तरीके से वो गड्ढा खोदता चला गया। अगर एक ही गड्ढा धैर्यपूर्वक अगर खोदा जाता तो हो सकता उसमें पानी मिल जाता। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि परिश्रम के साथ हम धैर्य रखें, कोई भी कार्य हो अगर हम धैर्य रखें तो वह कार्य सफल निश्चित होता। तो कहने का मतलब यही है कि जो जितने ये गड्ढे खोदे, उन गड्ढों में जो पहला गड्ढा था अगर वही परिश्रम और धैर्य के साथ खोदा जाता तो वहां पर जल जरूर मिलता और लोगों को जो आने जाने वाले थे उनको परेशानी भी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यही है कि परिश्रम करिए और धैर्य रखिए, हर कार्य धैर्य पर टिका है और परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, और परिश्रम और धैर्य जिसके पास है वही आगे बढ़ा है। धन्यवाद।